छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। एक बात है, ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होती है ना, उनकी जिंदगी बड़ी हसीन होती है, हर कोई इनके आगे पीछे भागता रहता है। हाँ, मामा, बस मैंने तो सोच लिया। बस बस, अब ये ना कह देना कि तुम्हें भी एक्टर बनना है। मामा, मैं एक्टर क्यों बनूंगी? अरे मैं तो एक्ट्रेस बनूंगी, एक्ट्रेस। ओहो, बात तो वही हुई ना, काम तो वही है, ड्रामेबाजी करना। अब बस मुझे नहीं पता भाई, ड्रामेबाजी करना हो या ड्रामेबाजी पे लग जाना, मुझे तो बस यही करना है, मैंने सोच लिया। मगर हनी, ये सब होगा कैसे? इसके लिए तो तुम्हें किसी मंझे हुए अदाकार से एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। अरे तो मामा, आप किस दिन काम आएंगी? आप है ना, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। कर तो दूंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ, मगर पहले मुझे ये बताओ कि तुम एक्टिंग कर भी सकती हो। अरे ऐसा वैसा, आप कहे तो मैं करके दिखाऊं। हाँ दिखाओ। ठीक है, फिर अपन काम कीजिए, आप ना कहीं जाके छुप जाइए, मैं करती हूँ एक्टिंग। चलो ठीक है, मैं छुप के देख रही हूँ। हाँ चलो स्टार्ट। हेलो, किसे मिलना है आपको? बहन जी, लड्डू मैं हूँ, आपकी जौजा। हैं? मजाक करिया? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। आप थक गए होंगे ना, आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो कल की कपड़े भी धोने सारे गंदे पड़े। नहीं नहीं, मैं आराम थोड़ी कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज के बाद से इस घर का सारा काम मैं करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। नहीं हनी, आप भूल रही हैं, मैं ये सारे काम अकेले थोड़ी करता हूँ, आपके वालिद मोहतरम मेरे ससुर जी मेरा पूरा पूरा हाथ बटाते इन कामों में। वालिद? पापा, आज से मेरे वालिद जी भी कोई काम नहीं करेंगे, आप भी कोई भी काम नहीं करेंगे, सारे काम मैं अपने हाथों से करूंगी। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात, पक्का। ठीक है फिर, तो मैं आपके पाँव। नहीं 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 नहीं, पाँव हनी, तुम पाँव। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो। जी। चलो उठो उठो, चाय बना मेरे लिए, खुद भी चाय बनाओ और मेरे लिए भी। बड़े आए, चाय बना दूं, कपड़े भी धो जाके। हनी अब ये तो आप खुद ही। अब मैं ना वो एक्टिंग कर रही थी, पहले मुझे बता मैंने कैसे एक्टिंग की, अच्छी ना एक्टिंग? हमारी बारी आई तो आप एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग? वाह 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 वाह, हनी तुमने तो कमाल कर दिया, क्या जबरदस्त एक्टिंग करती हो तुम। अच्छा क्या ना मामा, अच्छा क्या ना, मैंने बताए सबको। हाँ, बन गई एक्ट्रेस। गुलाम गुलाम। अजय जी 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 बेगम भाई, हमारी हनी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने कह दिया ये एक्ट्रेस ही बने। हाँ पापा, मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ, मैं सच बता रही हूँ बिल्कुल। अरे पहले तुम एक अच्छी बीवी और अच्छी बेटी तो बन जाओ। क्या क्या कहा आपने? मैंने क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब ऐसा करें कि किसी मशहूर एक्टर को लेकर आए जो हनी को एक्टिंग सिखाए। 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, काला गुरु सेब 400 रुपए किलो। अजी आजो आजो। ओए लंबू। ओ शहजादे, क्या हाल है तेरे? लोगों को जो चूना लगाने का काम बंद कर दिया? हाँ सब छटता है। पक्का? पक्का। मेरे पास तेरे लिए काम। ओकी। बैठे बिठाए तुझे लाख रुपया मिल जाने और तुझे क्या चाहिए? मैं एक बहुत बड़े एक्टर को जानता हूँ। कौन? लड्डू क्या नाम है उसका, जल्दी बता। फहीम, फहीम अब्बास। हाँ फहीम अब्बास, वेरी गुड। मगर एक छोटा सा मसला है। क्या? मम्मी जी आप तो जानती हैं जो एक्टर लोग होते हैं ना, ये फ्री में किसी का काम नहीं करते, और फिर मैं उसको यहाँ बुलाऊंगा तो उसके काम का हर्ज होगा ना। लड्डू तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तुम एक काम करो, तुम जाओ जाके उसको उठा के लेके आ जाओ, उसकी जो फीस होगी मामा पे कर दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं हनी, क्यों नहीं हनी। लड्डू तुम जल्दी से जाओ और फहीम अब्बास को लेकर आ जाओ, जो फीस होगी ना मैं दूंगी।
अच्छा लेके आ रहा हूँ। जाओ लड्डू अभी जाओ। हाँ मैं जाता हूँ। मैं देखता हूँ। हाँ। यार कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं मगर भाई बात तो सुन कैसे चल रहा है यार तू ये ऐसे थोड़ी चलते हैं। और यार ऐसे चलता है यार क्या होगा तेरे। और बात सुन ये चश्मा पहन के रखना वरना हम लोग फंस जाएंगे यार। और तू टैंक निकले लड्डू। और मैं बचपन से फेमस की एक्टिंग रोज संगी नकल करता आ रहा हूँ यार। तो अभी बुला बस चल। अच्छा मेरी बात तो सुन जो भी पैसे मिलेंगे ना वो आधे आधे होंगे आधे तेरे आधे मेरे। और तू शक कर रहा है मुझ पे? नहीं आधे होंगे पैसे बा अभी बुला। अच्छा तू आजा तू दूसरे तरीके से बात नहीं कर सकता? कैसे तरीके से? मतलब थोड़ा बाजू यूं रख है जैसे एक्टर करते हैं जैसे फहीम अब्बास करते हैं। और तू कभी फहीम अब्बास से मिला है? वो एनजी चलता है एनजी बोलता है ओके। अच्छा ठीक है मैं बुलाता हूँ। अच्छा मम्मी जी ससुर जी हनी भाई ओ भाई ओ भाई थोड़ा कम कर ले थोड़ा कम कर ले। आजा अच्छा पाकिस्तान दा तकरीबन सब तो मशहूर एक्टर ते होस्ट है। अच्छा अच्छा नहीं मैं नहीं मानता भाई मैं नहीं मानता भाई पहले शक कर रहे नहीं मानना पड़ेगा ससुर जी यही है मुल्क के मशहूर एक्टर और एंकर और सिंगर। मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूँ मैं तो वो जो मशहूर एंकर एक्टर और मशहूर तरीन इस पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेरा ख्याल है फहीम अब्बास साहब आपको अपनी एक्टिंग की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। हाँ हाँ जी क्यों रही पहले मेरी एडवांस फीस दो। हाँ हाँ मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी आपकी फीस आप बताएं कितनी फीस है आपकी। ओए लड्डू और तू दसया नहीं और तू मेरी फीस के बारे में नहीं बताया तूने। मम्मी जी जल्दी जल्दी मैं तो बताना ही भूल गया। वो फहीम अब्बास साहब अपनी एक्टिंग की क्लासेस के पैसे तो लेंगे ना और उनके पैसे होंगे 20,000 रुपए पर डे बस। क्या 20,000 पर डे? 20,000 रुपए यार मम्मा मुझे नहीं पता मुझे इनसे एक्टिंग सीखनी है बस। फहीम अब्बास साहब आप अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे? ओए ओए लड्डू मैं तेरे पहले भी कहा सी कि मैनू ओह जे कार च नहीं लेके जाना जो मुझे अफोर्ड ना कर पाए ओके। अरे मम्मी जी फहीम अब्बास साहब अपने इतने बड़े ड्रामे की रिकॉर्डिंग छोड़कर आए मर्द दामाद की तो उसका अजाला तो करना ही पड़ेगा ना। मम्मा मुझे एक्टिंग सीखनी है चाहे कुछ भी हो जाए बस। अच्छा ठीक है हनी ठीक है करती हूँ बात जी। हमें मंजूर है आपकी फीस ये बताएं कि आप कितने दिन में हनी को एक्टिंग सिखा देंगे? कोई 5 दिन से एक्टिंग सीख जाएगी कुड़ी तेरी। यानी पूरे लाख रुपए का चूना? लाख रुपए से एक्टर कौन बनता जी आजकल। गुलाम आप अंदर जाइए और मेरी अलमारी में से 1,00,000 रुपया निकाले लाकर इनको दे। 1,00,000 रुपए गुलाम जाइए चलो बहन तुम्हारा काम तो हो गया ठीक है अब एक्टिंग सीखना दिल लगा के। वाह 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 क्या सोना 400 रुपए किलो वाला सेब रखा है। क्या क्या ये सरदा सेब आम ये क्या बात कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं मम्मी जी। अच्छा अपना जी चाचा जी लग रहा है कोई छटांग को कट लग रहा है क्या छटांग? मजाक कर रहा है। ओए टोनी ओ बेरूपी है तू यहाँ क्या कर रहा है? आज चल कौन है? ओए मुझे बोलता है जाना। बेग साहब कोई गलतफहमी हो गई आपको? अब थाने चलो ना वहाँ चल के सबको सही फहमी हो जाएगी। ये सब क्या है बेग साहब? मैडम ये बहुत बड़ा बेरूपिया है फहीम अब्बास बन के लोगों से पैसे ऐंठता है। पुलिस को तो इसकी बहुत अरसे से तलाश थी इसका तो फ्रूट का ठेला है बहुत बड़ा चीटर है ये बहुत बड़ा। हाय अल्लाह मेरा तो 1,00,000 रुपया है इसके पास। 1,00,000 रुपए इसके पास पक्की बात है ना मैडम? हाँ पक्की बात है मैंने गिन के यूं करके।
आपने गिन के दिए पूरे 1,00,000 रुपए? पूरे 1,00,000 मैंने खुद गिन के दिए। गिन के दिए 1,00,000? हाँ। अच्छा ले। ये कहाँ गए? हाय अल्लाह लड्डू, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे 1,00,000 रुपए लेके चले गए वो लोग। अरे कितने फ्रॉड होंगे मेरे साथ। लड्डू तुम कुछ करो ना, मेरे 1,00,000 रुपए चाहिए मुझे। लड्डू बस मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी मेरे पैसे ला के दो, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी जी मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे? जहाँ से मर्जी ला, मैंने कह दिया ना कि मुझे पैसे ला के दो। बस मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया, मामा के 1,00,000 वापस करो। बस मुझे नहीं पता, वरना हॉलीवुड का एक्टर ला के दो, जाओ। हनी तुम तो ऐसा मत करो, तुम तो रहम कर लो मुझ पे, लड्डू हूँ मैं तुम्हारा। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे 1,00,000 चाहिए या तो फिर हॉलीवुड का एक्टर ला के दो, जाओ लड्डू। हाँ बस पैसे लाओ, समझ गए? तो मैं तो आना नहीं घर में, घुसना नहीं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, लेके आता हूँ लड्डू। चाचू मैं ना बहुत 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 मुसीबत में फंस गया हूँ। चाचू जल्दी जाओ और कुछ भी करके मुझे बचा लो, जल्दी आ जाओ वहाँ। बोलो मेरे भतीजे क्या बात है? चाचू ऐसा हुआ है, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी बात सुनो। किसी बात ये तो मसला ही नहीं है, ये सामने मुर्सलीन भाई काम से गए हैं। अबे यार क्या, खैर चलो अगर काम से गया ना कोई बात नहीं, तुमसे ही काम है हमें। यार मुझे पहले से ही बहुत काम है, जा अपना काम कर। अरे ससुर जी, चाचू क्या हुआ? मिल गया आयरन मैन, मिल गया। अरे वाह क्या दिमाग पाया, बिल्कुल अपने बाप पर। लेकिन वो तो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा, बात ही नहीं कर रहा किसी से भाई। एक घंटा मैं इससे बात करता। बेटा जरा 2 मिनट बात सुनना। हाँ बोल। देखो बेटा हमारी एक बच्ची है, मेरे भतीजे की बेटी, उस बिचारे की तबीयत बहुत खराब है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, बस उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसे हॉलीवुड के एक्टर आयरन मैन से मिलना। देख मैं कोई गलत काम नहीं करता, चल निकलो। अरे बेवकूफ आदमी, देखो किसी की जिंदगी बचाने के लिए छोटा मोटा गलत काम करना पड़े तो उसे गलत काम नहीं कहते। भाई झूठ झूठ ही होता ना भाई, अपना काम कर। अरे काहे का झूठ भाई? देखो भाई कोई दुकानदार होता है, जब वो कुछ सेल करता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? धोबी। अरे धोबी नहीं भाई, आयरन मैन। तुमने तो आइडिया दिया था। देख भाई देखिए बात, इस एक्टिंग में तेरे जितने पैसे का नुकसान होगा ना वो हम तुझे डबल करके दे देंगे। लेकिन मेरे को करना क्या होगा? अब तुम बाहर तो आओ, हम तुम्हें तफसील से समझाते हैं। आजा मेरे आयरन मैन, आजा काटेंगे नहीं हम तुझे, आजा। अब इसको हम गोरा कैसे बनाएंगे? अरे ससुर जी आप मेरे होते थे क्यों फिक्र करते? क्यों मैं गोरा बना दूंगा? क्यों मैं? हनी हनी ये हॉलीवुड के मशहूर एक्टर द आयरन मैन। चाचू हाउ आर यू? आई एम फाइन, इनसे मिलो। ये है इस घर की मालकिन तानी बेगम, और ये हनी है लड्डू की वाइफ, ये वो बच्ची है जिसने एक्टिंग सीखी। ओके हम समझा, हमें आपका बीमारी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बीमार कौन? हाँ आप तो मरने वाला है ना। अब मैं ये आदमी पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है ये आयरन मैन? तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम्हें पता भी क्या था, किसी के मुंह पे ऐसा थोड़ी बोलते। ओके एक्चुअली में हम अपना फिल्म करवाता जिसमें हमारा हीरोइन मरने वाला होता, उस वजह से। हाँ ये कैरेक्टर में थे ना, बस इसीलिए। यस मिस्टर डड्डू नहीं लड्डू नाम है मेरा। आपको उर्दू कैसे आती है? ये सब हमारा चाचू का मोहब्बत में सीखता है। बस ये हॉलीवुड के एक्टर मेरे बच्चों की तरह बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको ये आयरन मैन का करेक्टर करके कैसा लगा? बहुत गर्मी लगता है। इनका मतलब है मम्मी जी कि इनको आयरन मैन का वो भारी वाला ड्रेस पहनना पड़ता है ना, तो इनको बहुत गर्मी लगती है। ओह अच्छा। इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं आपने? यस वॉशिंग मैन। हाँ वॉशिंग मैन, उसके अंदर ये दुनिया की सारी बुराइयों को धो डालेंगे।
मुझे ना बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बस अब आप तो ये बता दें कि हमारी हनी को एक्टिंग कब सिखाएंगे और आपकी फीस क्या होगी। अरे अभी शुरू कर दे, थोड़ा आराम करने दो भाई, इतनी दूर से आए सफर करके, क्यों आयरन मैन भाई। लेकिन इनकी फीस क्या होगी? $1,00,000। ज्यादा है? आप आयरन मैन है जो इनके बदले के जवाब दिए जा रहे हैं? तो ये कौन सा असली का आयरन मैन है जो मेरी बीवी और बेटी को बेवकूफ बना रहा है? मैं भी तो इस घर का आयरन मैन ही हूँ। ये क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं? अरे उठिए ना, जाइए जाके कुछ मेहमान के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करें। अरे बेगम, वो मेहमान है, कोई सरकारी मुलाजिम थोड़ी है जो चाय पानी चाहिए उनको। गुलाम, हद है वैसे काम चोरी की, जाइए। हद है काम चोरी की, कोई काम कह तो घंटों लगा देते। मैं भी देखता हूँ ना, मैं भी जाके। हाँ जा, जा। जरा जल्दी करना, वहीं ना रह जाना। भाई हमें तो आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। बस आप आज से ही हमारी अनी कहानी को ना एक्टिंग सिखाना शुरू कर दें। बेवकूफ आदमी, हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है यार, ऐसा बोल। तो हम आहिस्ता क्यों बोले? तुम लोगों को पता नहीं है, वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, इन लोग का जो बड़े एक्टर होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट। यार हमें भी तो मिलवाना आयरन मैन से। ऐसे नहीं मिलते वो। फिर जैसे भी मिलते हैं मिलवा दे यार हमें भी। अच्छा पैसे लगेंगे? फी आदमी 5,000 रुपए लगेंगे। हाँ देख ले यार लड्डू, ऐसा ना हो कि तेरा मेहमान भाग जाए पहले की तरह। भाई ये कोई आम आदमी नहीं है, ये आयरन मैन है, आयरन मैन। ये भागने वाला नहीं है, भगाने वाला है, भगाने वाला। हाँ हाँ ये बात तो है। चल ये ले मेरे 5,000 रुपए। चलो लड्डू भाई मेरे भी 5,000 रुपए, लेकिन मिलवाओगे कब? अबे मिलवा दूंगा चिंटू, आ जाइयो शाम को, रात को, किसी भी वक्त, अभी निकल ले। चल जाओ, चलो। ये तो कहीं से भी आयरन मैन नहीं लग रहा। हाँ और क्या, मैंने भी तो कितनी फिल्में देखी हैं, ऐसा तो कोई आयरन मैन नहीं होता। अल्लाह वाला कोठा। अरे भाई फिल्मों में तो मेकअप होता, इसलिए तो आप लोग धोखा खा जाते। लेकिन मेकअप से इतना फर्क? अभी मैं तुम लोगों के चेहरे पानी से धुलवा दूं, तुम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान सकोगे। मेकअप की बात हो रही है यहाँ पर। तुम लोग बकवास बंद करो, खुद भी शर्मिंदा हो और मुझे भी शर्मिंदा करवा रहे हो। देखो तुम लोग जल्दी मिलो इससे और जाओ यहाँ से, चलो। हमें इनसे ऑटोग्राफ तो दिलवा दो ना। अब हाँ ले लो ले लो। हाँ लीजिए लीजिए, ऑटोग्राफ लीजिए। जी जी लीजिए लीजिए ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ। अरे ये क्या, इन्होंने तो स्त्री बना के दे दी। इस पर भी एक्चुअली वो बड़े आर्टिस्ट है, आजकल ऑटोग्राफ में ना नई नई चीजें बना के देने का रिवाज हो गया। तुम लोग किसी बड़े आर्टिस्ट से मिले हो तो पता चले ना। हाँ हाँ यही, चलो ले लिया ना ऑटोग्राफ, मिल भी लिया, उठो चलो जाओ। जाइए जाइए, डिस्टर्ब हो रहे, डिस्टर्ब हो रहे बड़े आर्टिस्ट। खुदा हाफिज़। बाहर बाहर सामने से सीधा। कोल्ड ड्रिंक जूस। अर्शद ले भाई ये कपड़े। अर्शद टेबल के नीचे तो नहीं जोरा। अर्शद लो, स्त्री भी खुली छोड़ गया, बिल इसका बाप भरेगा है। गया गया यार, पता करूं यार, बराबर में तो कहीं नीचे लगे चाय वाय पीने। अर्शद अर्शद बस तो आयरन मैन, मेरा ख्याल है कि आप आज से ही अभी से हनी को एक्टिंग सिखाना शुरू कर दे। हसीन गोरी गोरी, हसीन गोरी गोरी, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सबसे पहले खड़े हो जाओ। ठीक है। अब भाई मुझे ना बोलना है। हैं? उसके लिए तो धमाका करना पड़ेगा। लड्डू बेगम देखे ना, आप खुद सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये क्या फिल्मों में ऐसे ही उड़ते हैं? वहाँ जो ग्राफिक्स होता उस वजह से हम उड़ता। अच्छा यहाँ बैठा है, दुकान में अकेली छोड़ के आ गया,
और स्त्री को भी खुला छोड़ आया। अबे बिल आएगा तेरा बाप भरेगा, काम में तेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। बोल ये उस कस्टमर का है ना, अबे दस दफा चक्कर लगा चुका वो दुकान पे। अरे भाई सुने तो सही, आपको कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि ये तो हमारा आयरन मैन है। हाँ सही कह रही है भाई आप, ये आयरन मैन ही है, मेरी धोबी की दुकान है और ये वहाँ पे कपड़े इस्त्री करता है। अबे बोल ना चुप क्यों है, तो भाई आयरन मैन ही हुआ ना कपड़े इस्त्री करने वाला। अबे बोल बोल चुप क्यों है भाई, मुझे माफ कर दो। हाँ इसको माफ कर दो, और इसको तो मैं बताता हूँ, ये देखो तुम्हारा आयरन मैन, चल बे चल बे चल चल तेरी में आयरन मैन का बच्चा, चल सीधा दुकान पे। फुलान लड्डू ये कहाँ जा रहे हो, उठ के आप हैं, जब देखो यही हरकतें होती है तुम लोगों की है। ये आयरन मैन कौन था? मालकन जी आपके लिए अपने कवारे हाथों से कड़ाके की चाय बनाई है मैंने, लीजिए। तुम हो कौन और हमारे घर में कैसे घुस के आ गए? कितना प्यारा नाम है चिंटू। अरे प्यारा नाम तो आपका भी है स्वीट डिश। उसे सब कुछ सच सच बताने की क्या जरूरत है? हम फर्दे जुर्म आए धोने का इंतजार करें क्या? मेरी तनख्वाह कितनी होगी? अरे बेटा तनख्वाह की क्या जरूरत है, देखो तुम्हारा तो ये पूरा घर है, सब कुछ तुम्हारा है। माँ जी ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया। अब मैं समझ गया ससुर जी, आप दीवारों से किससे बातें किया करते थे। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।